साथ अगर आपका डिलीवरी के बाद भी लटका हुआ पेट है या आपकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो भी आपको अगर 6 months या 1 year हो चुका है तो डेफिनेटली आपको ये वाली एक्सरसाइज जरूर फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से हैंड को मैट पे प्लेस करना है, राइट। उसके बाद में आपने प्लैंक पोजीशन में आ जाना है, स्टैंडिंग प्लैंक इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने जंप कर आगे आना है। आप शूज भी पहन सकते हैं ताकि आपके हील्स में पेन ना हो, लाइक दिस। ये जंप कर आप आए, ठीक है। आपने हार्डली 2 या 3 seconds होल्ड करना है, देन वापस रिलैक्स होके जाना है इस तरीके से अगेन प्लैंक पोजीशन में। फिर आपने जंप करना है 20 times। आपने इस तरीके से इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है और उसके करने हैं आपने 4 sets। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं अपनी। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से पीठ के बल मैट पर ले जाना है और अपनी दोनों आर्म्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने अपने हाथों से पोछा मारना शुरू कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पोछा नहीं मारना, बल्कि हैंड्स को इस तरीके से ओपन करना है और उसके बाद में अपनी हील्स को टच करना है। स्लाइटली से अपनी बॉडी को अपसाइड बेंड करना है, कैसे देखते जाइए, लाइक दिस। अपने ठीक है, इस तरीके से टोस को टच करिए या हील को टच करिए। अगेन अदर साइड, ऑपोजिट साइड हमें टच करना है। जब आप अपनी बॉडी को अपलिफ्ट कर रहे हैं तो आपने ब्रीथ आउट करना है क्योंकि आपका मसल एंगेज हो रहा है, ब्रीथिंग मस्ट है, प्लीज मेक श्योर ध्यान दिया कीजिए। और जब आप आपकी बॉडी बैक साइड जा रही है, रिलैक्स मूवमेंट में आ रहे हैं, तो आपने ब्रीथ इन करना है 20 times और इसके करने हैं 4 sets। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको पीठ के बल मैट पे लेट जाना है, राइट। उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने हैंड्स को हिप के नीचे प्लेस करना है ताकि आपके बैक में कोई इंजरी ना हो। मेक श्योर ये आप स्टेप जरूर फॉलो करें। अपने लेग्स को आपने इस तरीके से अपसाइड लेकर जाना है, डाउन लाना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, फिर अपसाइड, अगेन ओपन क्लोज अपसाइड, ठीक है। ऐसा आपको 20 times करना है और आपको करने हैं इसके 4 sets। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको इस तरीके से अपने लेग्स को फोल्ड करना है, अपने पैरों की हील्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है, अपने हैंड को यहां पर साइड पे प्लेस करना है, अपने हिप को ऊपर की तरफ होल्ड करना है, 10 seconds होल्ड करिए, राइट। उसके बाद में आपने डाउन साइड जाना है, अगेन आपने अपनी लेग्स को ज्वाइन करना है, देन फिर अपसाइड। इस एक्सरसाइज में हम 2 movements करेंगे तो आपने ध्यान देना है इस चीज को, होल्डिंग मस्ट है और 20 times आपको उसको रिपीट करना है और इसके करने हैं 4 sets। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने हैंड को यहाँ पे साइड पे प्लेस करना है या फिर आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे हैंड को रखना है। आपने सिंगल लेग को फोल्ड करना है लाइक दिस और आपका एक लेग जो है अपसाइड रहेगा और आपने उसको ऊपर लिफ्ट करना है, हिप को मतलब अपसाइड लिफ्ट करना है, कैसे देखिए, डाउन डाउन डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन। आप जब ऊपर लेकर जा रहे हैं अपनी लेग को तो आपने ब्रीथ आउट करना है, जब डाउन साइड जा रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज को फोर्सली ऊपर करते हैं तो आपका प्रेशर लगता है, तो आपकी कोर एंगेज करनी है आपने, मतलब अपनी कोर को टाइट करना है और देन ब्रीथ आउट। और जब डाउन साइड जा रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की साइड खींचती है, तो आपने ब्रीथ इन करना है, यानी ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, राइट। 20 times और इसे करने हैं 4 sets। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर साइड पे 20 times, 20 times आपको इस साइड करना है, 4 sets, 20 times ही आपको अदर साइड पे करना है, राइट।